पुणे के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत आगा टोला में एक मामला इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आगा टोला में एक बहन दूसरी बहन को देखने गई तो बहन की सास ने उसे गाली गलौज शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें तीन लोगों को जमकर पीटा गया। इनका इलाज पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। मारने वालों में समूया, इलूस, रुस्तम इत्यादि शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर मारपीट की। आप लोग के साथ उसका हम वीडियो भी बनाए, मारा है मेरा बहन को, तो उसमें पंचायती बैठने वाला था, आज का डेट था समझे, तो अम्मी बोला कौन चीज मुखिया सरपंच को फोन करने के लिए, हम किए तो मुखिया सरपंच को फोन ही नहीं उठाया, बारिश हो रहा था, तो अम्मी बोला क्या जो घर में सब्जी उब्जी नहीं बेटी जाते अपना घर जा, वहाँ पे प्याज व्याज है ना, आलू वालू ले आ खाना बनाएंगे समझे, तो उ गया तो उसको समय लग गया, वहाँ पे गया बारिश हो रहा था तो रुक गया अपना घर पे कपड़ा पर चेंज कर लिया, तो हमको अम्मी बोला कौन चीज जाओ उसको बुला के लेके आ, तो हम बुलाने के लिए गए तो वहाँ पे बाजी को नहीं देखे, हम तो आगे गए देखते आगे में है, तो हम उसको लेके आए तो उसका नानिया साथ जो हमको गाली देने लगा, गंदा गंदा गाली देने लगा, हम जवाब नहीं दिए, हम चल आए तो अम्मी को आके बोलते हैं अम्मी के देख ना गाड़ी दे रहा था, हम किए ना तो वो गंदा गंदा गाड़ी दे रहा था, तो अम्मी जो है उसका सास को बोला देख तेरा बेटी, तो अम्मी जो है हमारा बेटी को गाड़ी देता है शोभा देता है, तेरा पुतो को देगा तो चलेगा, चलो पुतो है मेरा बेटी, तो उसका पुतो होने लगा काहे गाड़ी दे रहा उसको, तो बता अच्छा तेरा बेटी कहाँ जाएगा नहाड़ पे, उसको जाने के लिए मना कर दो, मेरा माँ बोला जो वहाँ पे चढ़ना है मेरा घास है भूसा हमको लाना पड़ता जाना पड़ता, तुम जाए ना नहाड़ के किसी कबाब का है, तो उसमें उसका नाती आ गया, इसका जेठ मेरा बहन का जेठ आ गया, बोला तेको गाड़ी दिया, हमने हाँ गाड़ी दिया, मंसूर नाम है उसका समझे, वो बोलता है कौन तेको गाड़ी दिया, हमने हाँ गाड़ी दिया, तेरा सामने जो तेने देखा जो तेको गाड़ी दिया हमको, तो बोलता है कौन चीज ना गाड़ी कब दिया तेको, हमने हाँ दिया ते जो उधर बंसी लेके मछली मार रहा था गाड़ी ना दिया तेरा नानी, तो ते जवाब नहीं दिया, हमने हम कहाँ जवाब दे जब एक गाड़ी दिया तो सौ गाड़ी कहाँ सुनल जीबो ये बात बोले, तो बोलता है तुम सब तो रंडी हो, तुम सब सब कहीं रंडी हो, तो उसने मेरा अब्बा बोला, अब्बा मेरा अब्बा बोला हम सब का सब रंडी है गाड़ी कहाँ दे तो तुम मरा धोके, ये बात जो बोला कहता है मादर तुम लड़ने आए रहो बेटा देखते हो अभी मारेंगे तो मुँह हाथ सब फंसका देंगे, तो बाप बोला मेरा क्या है मारो, हमारा क्या है मारो, ये बात बोला ना वो भीड़ के मेरा पाप कॉलर पकड़ के पीलर में गोद के खूब फेंटे फेंट मारा, वहाँ का सब आदमी देखो, और उसका माँ हमको बाहर पाया पकड़ के रखा, मेरा माँ को उठा के पोल पे पटक दिया, वो मारने में कौन कौन शामिल था, मारने में समुआ था, समुआ था, इलूस था, रुस्तुम था, और उसके बाद अच्छा सिर्फ नॉर्मल यही विवाद हुआ था, यानी आप गए थे नहर पे उसी की वजह से, यानी आज से 3 दिन पहले अपने बाजी को मारा था, उसका भी वीडियो मेरे पास है, बना के रखे तो मोबाइल भी तोड़ दिया छीन के। अच्छा ये क्यों मारपीट करता है आपके यानी दीदी के साथ, उसका एक बेटा क्या 3 बीघा, एक ठो क्या कालीगंज में, एक ठो क्या पूर्णिया में, एक ठो किया है खोक्सीबाग में धांगर को समझे, अभी 2 ठो को भगा दिया, एक ठो धांगर है, और इसका घर वाला जो है ना पहले तो दहेज दहेज मांगता था 1 लाख टका, और उसके बाद 1 कट्ठा जमीन खरीद के मांगता था, तेरा बेटी को अच्छा से रखेंगे, लव मैरिज किया था दोनों तो रखेंगे समझे, तो उसमें मेरा माँ बोला हम कहाँ से देंगे, हम गरीब गुरबा आदमी, जब शादी होता तभी मांगता हम, तभी होता तो हम देते ना, तो नहीं कराते बेटी को, तुम दोनों अपना खुशी से किया है तो खुशी से रहो, तब उसके बाद फिर क्या बोलने लगा, एक बेटी है इसके पास होगा, तब फिर बोलने लगा मुझे ना सब बेटी है ना तो उससे किसी से लड़ाया होगा या कहूँ जाएगा तो उसका मान्यता देगा, हमरे से अगर कोई लड़ा हमको मट्टी दे देगा क्या, मर जाएंगे तो हमको मट्टी देगा, नहीं देगा हमको मट्टी, हमको बेटा ला के कहीं से भी दो, खरीद के लाओ, चोरी करके लाओ, कहूँ से लाके बेटा दो, दहेज और बेटा के लिए मारपीट होता है, वो बात हो गया, उसमें इसको मारा, मार के जो है ना भाग गया। अच्छा और कोई विवाद है क्या आप लोगों के फैमिली में, और कुछ है, और कुछ है, लड़की लग भाग गया उसका घर वाला, लड़की का भी है, लड़की लेके भाग गया 6 महीना पहले लेके भागा था, 9 दिन से गायब है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गुंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, मोबाइल 7258814055
और 9934234303। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने सेंट्रल बैंक की गली में मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार आपका अपना, आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, माँ अंबे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS 31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया। और इलेक्ट्रॉनिक का संसार आपका अपना, आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, माँ अंबे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS 31 बाईपास बेलोरी पूर्णिया।